बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज जो है ना, हमने थोड़ी सी तैयारी की है कहीं जाने के लिए, घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। बच्चे भी कह रहे थे कि हमने जाना है कहीं घूमने के लिए, क्योंकि इधर हमारे करीबी के बहुत सारे इलाके हैं, सैलाबी इलाके, जहाँ सैलाब आया हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है। तो वहाँ भी जाएँगे, आप लोगों का विज़िट कराएँगे, क्योंकि बारिशों की वजह से दरियाओं में बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है। तो बाकी जो है ना, और कहाँ कहाँ जाते हैं वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। लेकिन हमने ना अभी ब्लॉग शुरू किया है, तो हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लाल रंग का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो हसीब जो है ना, अभी भी आया है और थका हुआ प्लैंक पर लेटा हुआ है। चलो हसीब, चलना नहीं है? हसीब चलना नहीं है? आज बड़ा स्पेशल हसीब के लिए हम जा रहे हैं, पता है आप लोगों को। और ये देखो, बाकी जो है ना, सिकंदर भाई के बच्चे इधर आए हुए हैं, तो ये इधर बैठे हुए हैं, तो इनकी वजह से फिजान भी बैठा हुआ है। तो हसीब कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा सैर करने। क्या हुआ है गाड़ी को? पानी इसमें मेरे ख्याल में कम हो गया, देख लो पानी डालना पड़ेगा। और बैटरी बैटरी का तेजाब भी मेरे ख्याल में कम हो गया, बैटरी में भी पानी कम है। चले भाई, गाड़ी को रेडी कर लो, फिर चलते हैं। काफी कम था पानी भी, अब तो भर गया है। और बैटरी में भी डालना पानी है तो लेवल से कम पानी। गाड़ी स्टार्ट करो, हसी बैठो अंदर। क्यों नहीं जा रहे? हो चुकी है, हम भी तैयार हो चुके हैं और अभी चलते हैं। और माशाल्लाह से मौसम जो है ना, ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, हर तरफ बादल छाए हुए हैं, ठंडा ठंडा मौसम चला है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चले भी गाड़ी चल पड़ी। हसीब भी हमारे साथ अभी जा रहा है, आज हसीब के लिए खास जा रहे हैं, हसीब के लिए शॉपिंग करेंगे। हसीब शॉपिंग करेगा? नहीं करेंगे शॉपिंग? चले भाई देखते हैं। हसीब हसीब मूड बनाकर बैठा है, क्योंकि इसके दोस्त आए हुए थे, उसके साथ खेल रहा था, कहता था मुझे आपके साथ नहीं जाना है, ऐसे उतार दो नीचे। तो अभी जो है ना, हम लोधरा में पहुंच चुके हैं सामने। तो इब्रार, हमने इधर नहीं रुकना, पता है आपको, हमने अभी जाना है आगे दरिया पर। ठीक है, दरिया पर क्या करोगे अभी? दरिया पर कहते हैं कि पानी दरिया में फुल आ चुका है, तो हम जा रहे हैं दरिया पर पानी देखने के लिए। आज आप डुबकी लगवाए आपको दरिया में? आपको पता है ना मुझे पानी से डर लगता है, इसीलिए कह रहे हैं। सिकंदर भाई को पता है ना पानी से मुझे बहुत डर लगता है, तो इसी वजह से ये कह रहे हैं। सतलुज की तरफ ऐसे? हाँ, दरिया सतलुज की तरफ चलते हैं, जो भावलपुर के करीब है। तो ये देखिए, ये अभी हमें इतना थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि सामने ट्रेन आ गया। हसी उठ कर देख रहा है वहाँ से ट्रेन को। इस तरफ जा रही है, अम्मा जी, आप आई ट्रेन में बैठना थी कदन। ट्रेन का सफर कभी नहीं किया। अजीब कहते हैं अम्मा आप आई ट्रेन में बैठना से हंस, पता है आपको इब्रान ओके ना?
वो ऐसे कि मैं कल हमारे रिश्तेदार जो थे ना वो गए थे लाहौर, तो उन्होंने ट्रेन का सफर किया, तो जब वहाँ उतरे ट्रेन से तो उनका ना किसी ने पॉकेट निकाल लिया, जेब काट ली 70,000 था उसमें। कौन मैं आपको बताती हूँ ना, तो जैसे उनका पॉकेट निकाला तो उनको पता चल गया, फिर वो क्या हुआ कि एकदम से पता जब चल गया तो इधर उधर उन्होंने देखा तो एक साथ में जो करीब बंदा खड़ा था उन्होंने कहा कि मेरा पॉकेट गायब हो गया, उसने कहा वो सब लेकर भाग रहा है, तो वो जो भाग रहा था वो नहीं था, जो खुद कह रहा था वही था। फिर क्या हुआ उसको जब उसने कहा, उसके तो बाद में हम देखेंगे पहले आप अपनी तलाशी दे, तो फिर वो भी भागने लगा, जब वो भागने लगा ना तो फिर उन्होंने सबने मिलकर उधर पकड़ लिया उनको, पकड़ के खूब उसकी फेंटी लगाई और उससे पॉकेट भी छीन लिया, फिर ये हुआ है मसला। तो मिल गया। हाँ शुक्र है कि पॉकेट जो है ना वापस मिल गया। ये है ट्रेन का सफर के हालात। हाँ तो बस अभी जो है ना हम दरिया की तरफ चल पड़े हैं, शहर हमने क्रॉस कर लिया है, तो अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह हम दरिया पर पहुँच जाएंगे, तो फिर चलते हैं और आप लोगों का भी अरेंज कराते हैं दरियाए सतलुज, क्योंकि हमारे इलाके का बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये बड़ा दरिया है ना, ऐसा कहते हैं ना जी, तो सबसे बड़ा दरिया है सतलुज, तो ये चलता कभी कभी है, ये चलता कई सालों बाद है, तो इस साल दरिया में पानी आया है तो हमने सोचा है कि चले भी हम भी देखते हैं। टूल प्लाजे पर आ गए, तो विवास ये देखें हम टूल प्लाजे पर पहुंच चुके हैं, और ये सामने एक मिनट ये सामने आप लोगों को दरिया की पुल नजर आ रही है जहाँ से ट्रेन गुजरती है, वो सामने दिखाई दे रही है, ये टूल प्लाजे के साथ ही है ये दरिया। हाँ तो ये टूल प्लाजा है और इससे आगे दरिया आ जाता है, तो अभी उस पुल पर तो हम नहीं जा सकते, वो तो दूर से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जाएंगे उधर तक जाएंगे हाँ। चले फिर ठीक है उधर तक जाएंगे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं इस साइड से जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। देखने थे लेकिन यहाँ तो दरिया खुश्क नजर आ रहा है यार, मेरे ख्याल में हमारे आने से पहले खुश्क हो गया है, हमारे आने के डर से खुश्क हो गया है ऐसे लग रहा है। हमने ये दरिया थोड़ा थोड़ा चल रहा है, दो तीन तरह चल रहे हैं अभी, हाँ वहाँ से लेके आएंगे ना आपको कश्ती पे, अच्छा खुश्क नजर आ रही है ना जगह, यहाँ पर आपको छोड़ देंगे, मैं जाऊंगी नहीं। लेकिन खजूरों को भी पिंड बोलते हैं। ये बाकी सेट भी है, ये इधर ये सब के सब खजूरे हैं इधर। इधर तो धूप निकल आई है, कुछ नजर भी नहीं आ रहा, धूप पहले भी थी। हसीब कश्ती पे बैठना है, हसीब पहले क्या बैठना, फिर अच्छा इधर तक सारा पानी रहा है मेरे ख्याल में, ये देख नहीं रही, यहाँ तक पानी था, वो देखो बच्चे सामने नहा रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं, स्लिप अभी इधर कीचड़ है ना, बस एक ध्यान से चलना है, गिर ना जाना, ठीक है। कश्ती वाला कह रहा है कश्ती पे बैठना है, ये देखो बच्चे नहा रहे हैं, पानी ठंडा है, पानी ठंडा है।
हाँ तो व्यूअर्स अभी जो है ना हम दरिया पर पहुंच चुके हैं और हसीब गौर से देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इसमें पानी में नहा रहे हैं। पानी बहुत कम हो चुका है, पहले तो काफ़ी उससे हमने तो सुना था बहुत ज़्यादा है, हमने तो सुना था बहुत ज़्यादा सुना था कि काफ़ी उधर तक पानी बह रहा था, लेकिन लग भी रहा है क्योंकि उधर तक कीचड़ बना हुआ है, ऐसा लगता है कि पानी बेहतर आया है। हाँ वो भी बता रहा है कि आदमी के वहाँ तक पानी फैल गया था लेकिन अभी जो है ना पानी कम हो गया है। और ये सामने आप लोगों को जो नज़र आ रही है ये ट्रेन की पुल बनी हुई है, तो अभी कश्तियाँ खड़ी हुई हैं। हसीब से पूछते हैं कि हसीब कश्ती में बैठेगा, कश्ती में बैठोगे? नहीं हसीब ने नहीं बैठना, नहीं बैठना, गर्मी ज़्यादा है ना, पानी आने वाला है पीछे से, भाई पता करा है पानी शाम तक पहुँच जाएगा। तो है कि पानी करेला जो छूट गया है ना पीछे से वो अभी तक पहुँचा नहीं है, खबर गलत नहीं थी लेकिन हम जल्दी आ गए थोड़ा, है ना, कहते शाम तक, तो कहते हैं वो रेला जो है ना वो शाम तक पहुंचेगा। बाकी जो है ना इस दरिया में जो ये बात रही है कि पानी इस दरिया में आ गया है, तो वैसे पानी का आना भी ठीक है, तो अभी जो है ना हम खबरों में देख रहे हैं, वैसे नेट पर यूट्यूब पर हर जगह देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सैलाब से तबाहियाँ हो रही हैं, बड़े बड़े जो काफ़ी दरिया हैं उन दूसरे दरिया हैं उन पर जो सैलाब आया हुआ है, वहाँ बच्चे बेचारे बूढ़े बच्चे जवान और उनके जानवर उनके घर से बेघर हो गए हैं, और उनके जो रहने की जगह हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो अभी ये पानी जो है ना ये देखो ये भी बहुत जल्दी जल्दी से चल रहा है, लेकिन अभी इधर भी सुनने में आया है कि काफ़ी सारा पानी आने वाला है, शाम तक कहते हैं कि रेला आएगा, तो अल्लाह करम करे। वैसे सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला रहमत फरमाए और अल्लाह ताला ऐसी आफत से बचाए जो बेचारे घर से बेघर हो चुके हैं, बहुत मुश्किल में है, कहीं अपने घरों को छोड़कर जा भी नहीं सकते, उनका सामान उनके घर सब पानी में बह रहे हैं, सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। तो आप जहाँ तक हो सके उन लोगों की हेल्प भी करें, आप इतने दूर वो पता नहीं कहाँ कहाँ से, मैं तो बहुत जब हम तो नेट पर देखते हैं टीवी पर देखते हैं बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि अल्लाह ताला जो है ना अपना करम फरमाए। लेकिन इसने कश्ती पे नहीं बैठा, कश्ती से ये डरती है। जब हम आए थे ना फुल पानी था फिर भी बैठे थे, नहीं मैंने पूछा नहीं बैठा, बिल्कुल भी नहीं बैठा, तुम बेगुनाह मुझे मारना चाहते हो। हम होटल में पहुंच चुके हैं और हसीब ने कहना कह रहा था कि मम्मा भूख लगी है, अब क्या कह रहा है, ऑरेंज पी रहा है ना। तो अभी खाना मंगवाया है और खाने में क्या मंगवाया है ये तो जब आएगा फिर आप लोगों को दिखा। अभी जो है ना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, तो जैसे ही पिज़्ज़ा आता है फिर हसीब खाना खाएगा, हसीब खाएगा, हसीब कहता है जूस मैंने पी लिया है अब मेरा पेट भर गया है, पिज़्ज़ा नहीं खाएगा? खाऊंगा। खाएगा, चलो भी देखते हैं। ये आ गया है पिज़्ज़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी इसको प्लेटों में निकालते हैं, साउंड लगा हुआ है चल रहा है म्यूज़िक, तो मैंने कहा तो बंद कर दो, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया, पता नहीं उसने सुना ही नहीं है। क्यों की है ये बोतल? है मैंने पीता। क्यों? है मैंने पीता। अरे ये कॉल रही मैंने पीता, मैं दूसरी पीता।
पेट भर गया, मजा करता पिज्जा। बस खाना है और खाना है और खाना है हैं, बस मंगाओ और चुप कर दो। इसके ना दो 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 तीन पैंटे रहे हुए, तो इसके ना हसेब की ना दो तीन पैंटे चाहिए। एक तो हमने ये पसंद कर ली है और दूसरा जो है ना ये कलर पसंद कर रहे हैं वो भी। ये भी 26 है ना, ठीक है ठीक है। या फिर ये ले, ये भी ठीक है, ये भी प्यारा है। ये पसंद है, अच्छी है। और दूसरी ये किसकी है? हाँ ये सही नहीं है, किसकी? ये भी तुम्हारी है, दोनों तुम्हारी है, ठीक है। ये ब्लैक है, ये कंट्रास्ट की है, अभी मौसम बारिश वाला हो गया है। और अभी जो है ना मौसम बारिश वाला हो गया है, तो अभी मेरे ख्याल में घर जाना पड़ेगा। चलो चले गाड़ी में बैठते हैं। और आज स्पेशल हसीब के लिए शॉपिंग की है हमने, ड्रॉप करने के लिए। तो अभी चलते हैं घर। और हसीब जाना वो मज़े से सो रहा है, पीछे देखें बड़े मज़े से सो रहा है। हाँ चले भाई।